हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अनट्रीटेड यूटीआईज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस फीमेल्स में स्पेशली आगे चलकर किडनी फेलियर की तरफ टर्न हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसी सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम बात करेंगे कॉजेस के बारे में, किन वजह से बहुत ज़्यादा प्रोन होती है फीमेल्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लेकर, यूटीआईज को लेकर, और अगर ये लंबा टाइम तक अनट्रीटेड रहता है, हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, लंबा टाइम तक ये परसिस्ट करता है, तो आगे चलकर आपकी किडनीज इनसे नुकसान उठा सकती है। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि यूटीआईज फीमेल में कॉमन क्यों होते हैं। ये वीडियो है मेरे सारी फीमेल व्यूअर्स के लिए, ताकि वो अवेयर हो सकें, वो अपनी कंडीशन को समझ सकें, अपनी बॉडी को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दें, ताकि आगे चलकर हम पाइलोनेफ्राइटिस की तरफ, क्रॉनिक किडनी फेलियर की तरफ ना बढ़ते चले जाएं, इस बीमारी से हम बचे रहें। और अगर आप इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेज के बारे में, यूटीआई फीमेल्स में कॉमन क्यों होता है। सबसे पहला रीज़न है हमारी बॉडी की एनाटॉमी, क्योंकि हमारी जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो वजाइना और एनल ओपनिंग के बिल्कुल नियर बाय होती है। एनाटॉमिकली हमारी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है। जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है वो कंपैरेटिव टू मेल्स छोटा होता है फीमेल्स में, इसलिए बहुत जल्दी कोई भी आपके इन्फेक्शंस है वो आपकी किडनीज तक ट्रैवल कर सकते हैं। जो पेशेंट्स लंबा टाइम तक कैथेटराइज रहते हैं, कैथेटर डला हुआ होता है, चाहे किडनी स्टोन की वजह से या कोई भी ऐसी इलनेस की वजह से, उनके अंदर बहुत जल्दी चांसेस होते हैं यूटीआईज होने के, क्योंकि कोई ना कोई जब भी फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी के अंदर है तो लंबे टाइम तक अगर हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसकी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में इंटरमिटेंट जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक रीज़न ये भी देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर, जब भी ल्यूकोरिया बहुत लंबे टाइम तक प्रेजेंट होता है, वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं, उसके अंदर जो भी सिक्रीशंस है, अगर हम उसे वाइप ऑफ कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कि उसकी जो सिक्रीशंस है वो यूरेथ्रा के अंदर जा रही है, उस कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जो इन्फेक्शन आपके वेजाइना का है वो आपके यूरेथ्रा तक ट्रैवल कर सकता है। तो जब भी हमें क्लीन करना है, वाइप ऑफ करना है, कोई भी एनल ओपनिंग को क्लीन करना है, वो हम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, वजाइना टू एनल ओपनिंग की तरफ करेंगे, ना कि एनल टू वजाइनल ओपनिंग। तो इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करने से हम बच जाते हैं कि वो इन्फेक्शन आपकी यूरेथ्रा में जल्दी ट्रैवल करे। और एक रीज़न देखने को मिलता है, जब भी हम पब्लिक टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी फीमेल पेशेंट्स के अंदर बहुत जल्दी यूटीआई देखने को मिल जाता है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको पब्लिकली टॉयलेट यूज़ करना है, कोशिश करो कि आप जो टॉयलेट यूज़ कर रहे हो इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हो, वेस्टर्न यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम कम से कम कांटेक्ट में आते हैं किसी और इन्फेक्शन के, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इन केस आपको यूज़ करना पड़ रहा है तो आप पी बडी यूज़ कीजिए, या फिर टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र यूज़ करो, या टिश्यू वहाँ पे रख के फिर वॉशरूम में यूज़ कीजिए। उसको करने से हम कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को उन इन्फेक्शन से, क्योंकि बार बार अगर ये इन्फेक्शन बना रहता है बॉडी में, अनट्रीटेड रहता है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपकी किडनीज भी सफ़र कर सकती हैं। साथ के साथ बहुत से रीज़न्स देखने को ये भी मिलते हैं पेशेंट्स के अंदर, अगर वो हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, जो अंडरक्लोथ्स यूज़ करते हैं वो फैब्रिक कॉटन नहीं यूज़ कर रहे हैं, डैम्प है, क्लीन नहीं हो रहा है और सही तरीके से सूख नहीं रहा है, अगर हम ऐसे गारमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमनली ये कंडीशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यूरेथ्रल ओपनिंग बहुत छोटी होती है, उसमें इन्फेक्शंस बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाते हैं, और जब वो इन्फेक्शंस ट्रैवल करते हैं तो उन्हें देर नहीं लगती आपके ब्लैडर तक पहुंचने में, आपके यूरेटर्स तक पहुंचने में, और आगे चलकर वो आपकी किडनीज तक भी पहुंच जाते हैं। तो हमें खास ध्यान रखना है इन चीज़ों का, जिससे हम अपनी किडनीज को बचा सकते हैं। अगर आप सफ़र कर रहे हैं ऑलरेडी यूटीआई से, आपकी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत
बार बार हो रहे हैं, आप एंटीबायोटिक भी ले रहे हो लेकिन रिकरेंट हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हमें थोड़ा सा आपकी हाइजीन पे ध्यान देना ज़रूरी है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर UTIs बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक रहते हैं, लंबे टाइम तक बने रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। कोई भी इन्फेक्शन है, यूरेथ्रल ओपनिंग से ब्लैडर की तरफ गया, ब्लैडर में लंबा टाइम तक वो इरिटेशन कॉज करेगा, वहाँ के टिश्यू को इन्फ्लेम करेगा, सूजन लाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन जब भी होनी स्टार्ट होती है तो पेशेंट क्या सिम्टम्स देगा, बार बार फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन की कंप्लेन करेगा कि मैम मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, यूरिनेशन की अर्ज होती है लेकिन थोड़ा थोड़ा यूरिन आता है। या फिर फीमेल कंप्लेन करेगी कि मुझे बहुत बर्निंग के साथ यूरिनेशन होते हैं, बहुत पेनफुल यूरिनेशन होती है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसी अगर कोई भी कंडीशन हमारी बॉडी में क्रिएट हो रही है, इनिशियली ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसको निग्लेक्ट नहीं करना है, अपना एक यूरिन रूटीन टेस्ट करवाओ। रूटीन टेस्ट में अगर पसल्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहा है, देन गो फॉर यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। कई बार देखने को ये भी मिलता है कि पेशेंट्स ये सिम्टम्स तो थ्रो कर रहे होते हैं लेकिन जब भी आप उनका यूरिन कल्चर करवाते हो वो बिल्कुल क्लियर आता है, पर पेशेंट की बॉडी में फिर भी इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा होता है। कभी कभार वो इतने माइन्यूट लेवल पे होता है कि कल्चर में भी पकड़ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे सिम्टम्स बने हुए हैं कि यूरिन के अंदर जलन है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की अर्ज बनी हुई है लेकिन पूरा ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पाता है और दर्द के साथ यूरिनेशन हो रही है, तो वो एक अलार्मिंग साइन है जिस पे हमें काम करना ज़रूरी हो जाता है। आपकी बॉडी में अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आ रहा है तो अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर मिलो, अपनी गायनेक से मिलके आप डिस्कस कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे कि फर्दर हमें क्या करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन लंबा टाइम तक हम ठीक नहीं करते हैं, उसको प्रिवेंट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टाइटिस के साथ साथ वो किडनीज तक भी ट्रैवल कर जाता है और किडनीज एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाती है जहां पर किडनी की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, किडनी की फिल्ट्रेशन हैम्पर होने लगती है, आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़नी शुरू हो जाती हैं क्योंकि आपकी किडनीज ने नुकसान उठाया, चाहे इन्फेक्शन ही क्यों ना हो। तो कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में अगर अनट्रीटेड रहेगा लंबा टाइम तक, तो कुछ सिम्टम्स पेशेंट की बॉडी जनरेट करना स्टार्ट होगी। पेशेंट को बार बार बुखार आना, हाई ग्रेड फीवर आना, बहुत ठंड लग के बुखार आता है, कंपन छूट के बुखार आता है, और यूरिन के अंदर जलन होना। यूरिन के अंदर जलन होना ज़रूरी नहीं है हर किसी केस में हो, हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। कभी कभार आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपकी रिपोर्ट में भी शो नहीं हो रहे होते, लेकिन आपको ऐसे सिम्टम्स बने हैं लंबे टाइम्स तक, तो आपको इसको निग्लेक्ट नहीं करना है, इसका खास ध्यान रखना है। जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई हैं फॉलो करने के लिए, चाहे हाइजीन हो, चाहे टॉयलेट हाइजीन हो, चाहे अपनी कंडीशन को लेकर हो, उसको आपको फॉलो ज़रूर करना है। क्योंकि अगर आपके बॉडी में ये सिम्टम्स नहीं भी आ रहे, आप सफ़र नहीं भी कर रहे हो, फीमेल्स बहुत ज़्यादा प्रोन होती है UTIs के, तो आप अपने आप को इस इन्फेक्शन से प्रिवेंट भी कर सकते हो। तो जो लोग हेल्दी भी हैं वो भी अगर ये टिप्स फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताई हैं अभी इस वीडियो में, तो आगे चलकर अपनी किडनीज़ को सेफ रख सकते हैं। जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से, वो भी प्रोन होते हैं बार बार UTI होने के। जब भी किसी की किडनीज़ पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन से ख़राब होनी स्टार्ट होती है, तो उसमें ज़्यादातर पैटर्न आपके अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलता है कि आपकी एक किडनी का साइज़ नॉर्मल होता है और एक किडनी छोटी मिल सकती है, उसका साइज श्रिंक हो जाता है। ये ज़्यादातर पैटर्न देखने को मिलता है पाइलोनेफ्राइटिस के केसेस के अंदर। आज मैं ये वीडियो इसीलिए सबके लिए लेकर आई थी, अपनी फीमेल व्यूअर्स के लिए लेकर आई थी, ताकि आप अवेयर हो सको इस प्रॉब्लम से। ये जो छोटी नज़र आने वाली, नॉर्मल नज़र आने वाली दिक्कत होती है, आगे चलकर कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। तो अगर हम इसे इनिशियल स्टेप पे ही प्रिवेंट कर लेते हैं, समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं इस बीमारी को, तो आगे चलकर आपकी किडनीज हेल्दी रहती हैं। इस वीडियो का बस एक यही मोटिव था, अपनी सारी व्यूअर्स को एजुकेट करने का, अवेयर करने का, कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसे सिम्टम्स आप फील कर रही हैं तो उसे निग्लेक्ट नहीं करना है, नियर बाय डॉक्टर को विजिट करो, अपने टेस्ट ज़रूर करवाओ। अगर टेस्ट में नहीं भी नज़र आ रहा है फिर भी आप इन सिम्टम्स को फेस कर रहे हो, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप हमारी टीम से बात करके पूरी गाइडेंस ले सकते हैं
कैसे हम आगे चलकर आपके किडनीज़ को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम किडनीज़ को सेफ रख सकते हैं इस इन्फेक्शन से, और अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है जिसने किडनीज़ को नुकसान पहुंचा दिया है, अब आगे चलकर हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस सभी की गाइडेंस हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको ज़रूर देंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, तो डॉक्टर्स आपको ज़रूर गाइड कर पाएंगे कि आगे चलकर हमें कैसे प्रिवेंट करना है इन चीज़ों को। आपको बस बने रहना है हमारे चैनल पे। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कैसे पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से किडनी नुकसान उठाती है और कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं इन डिटेल। तो बने रहें आप इस चैनल पे, जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए, हाइजीन को मेंटेन कीजिए, पानी अच्छे तरीके से पीजिए, क्योंकि जो पेशेंट्स डिहाइड्रेशन से सफ़र करती हैं, जो पानी कम पीती हैं या फिर यूरिन को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करके रखती हैं, उनके अंदर भी ये दिक्कत देखने को मिल जाती है। क्योंकि अगर हम सही तरीके से पानी नहीं पीते हैं, प्यास के अकॉर्डिंग नहीं पी रहे हैं, अगर आपके बॉडी में कोई भी स्वेलिंग नहीं है तो आपको पानी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। अगर सूजन आती है तो वहाँ ज़रूर हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर आप हेल्दी हो, नॉर्मल फील कर रहे हो, कोई स्वेलिंग नहीं है, तो आप अपनी थर्स्ट के अकॉर्डिंग पानी थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर पियेंगे। किडनीज़ को रिहाइड्रेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही हम डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, यूरिन इन्फेक्शंस और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड आना शुरू होता है और यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। और जो लोग यूरिन बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करके रखती हैं, चाहे हाउसवाइफ्स हों या वर्किंग फीमेल्स हैं, अगर डेस्क जॉब है, आप बार बार यूरिनेशन के लिए नहीं जा पा रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो अपने काम से, और यूरिन को बहुत लंबा टाइम तक होल्ड करके रखते हो, उनके अंदर भी यूटीआईज बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस हमें स्टॉप करनी है, ये अवेयरनेस हमें अपने आप में लानी है, इसी सब के लिए ये वीडियो आपको मदद करेगी। आई होप आप क्लियर हो गए हों कैसे आप अपनी किडनीज़ को सेफ रख सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर।